ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि आज की स्टोरी है ना वो एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इससे जब पहले हमने चैप्टर पढ़ा था हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये उसी का सेकंड नंबर पार्ट है, मतलब कि ये वो फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा सेकंड पार्ट है। वो ही मोटिवेशनल स्टोरी थी और ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। दोनों का मोरल जो वो एकदम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल मोरल बिल्कुल एकदम। अगर आपको उसका मोरल पता होगा ना तो आपको इसका मोरल भी पता चल गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखें, क्योंकि यार उसमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको अगर इस चैप्टर की बात बताऊँ, क्योंकि इस चैप्टर में यार मेरे साथ भी एक हादसा हो चुका है कि जब मैंने एग्जाम दिया था किसका क्लास 10th का इंग्लिश का, तो यार मैं इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया था। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, लेकिन पेपर से एक दिन पहले मैं इसकी एक बार स्टोरी पढ़ के चला गया था, सिर्फ पढ़ के गया था। और यार अगले दिन को जब मैं पेपर में बैठा था तो उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था 2 नंबर के लिए। तो यार ये समझ लीजिए कि मतलब ये अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं यार कि ये जो चैप्टर है उसको इग्नोर कर देते हैं। मेरे साथ के जो लड़के थे उन्होंने भी इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैंने यार एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले पढ़ लिया था और मैंने इसका आंसर लिख दिया था। अब यार हम करते हैं अपनी इसको वीडियो को स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यार स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज फ्रेंड अदम्य राजपूत। आज की वीडियो हम बात करने वाला है क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, यस दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। तो यार वीडियो करता प्लीज स्टार्ट। स्टोरी के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा इसके राइटर कौन है। यार इसके राइटर जो है ना वो है फ्रेडरिक फोर्सिथ। अब यार मैं आपको हर चैप्टर के लिए कह रहा हूँ कि इसके राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है। तो आपको इसके राइटर सबके चैप्टर्स की राइटर याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, पूछ लिए जाते हैं। और इस बार मैंने देखे थे तो यार बहुत से क्वेश्चन थे ऐसे जो थे इसके कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, इस चैप्टर राइटर कौन है, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन में, मतलब जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि जो पैसेज आएगा ना चैप्टर में से तो उसके चैप्टर के राइटर नेम भी पूछ सकता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको राइटर नेम जरूर याद होना चाहिए। अब हम आते हैं चैप्टर के करेक्टर्स पर। इसके करेक्टर जो है यार वो ये खुद ही हैं जो इसके राइटर हैं, ये अपनी कहानी के ऊपर से बताया है इन्होंने। अब यार इसमें एक एरोप्लेन है, उसको डकोटा नाम है, डकोटा DS-088 इसका नाम है, शायद यही नाम है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन शायद यही नाम है, हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान है। और जो इसके और करेक्टर्स हैं वो एक फीमेल है इसके, मतलब उनके साथ डिस्कस हुआ है, उनकी फैमिली का डिस्कस हुआ है, वो सब लास्ट में है। अब हम इसको वीडियो पढ़ते हैं, अपनी स्टोरी को हम स्टार्ट। तो स्टोरी में क्या है कि जो जो पायलट होते हैं, मतलब राइटर होते हैं, वो जा रहे होते हैं स्पेस में, आराम से अकेले उड़ रहे होते हैं, मतलब फ्लाई कर रहे होते हैं, इनके ऊपर स्टार्स होते हैं और ये सोचते हैं कि मैं मेरे नीचे लोग हैं सब सो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सब अंधेरा होता है ना, तो यार वहाँ पर ये सब सो रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने घड़ी की तरफ टाइम देखा, जो घड़ी वॉच की तरफ उन्होंने टाइम देखा, तो वहाँ पर बज रहे होते हैं 1:30, वहाँ पे 1:30 का टाइम हो रहा होता है। ये सोचते हैं कि अभी तो दिन हो रहा है यार, सुबह का दिन हो रहा है। तो ये फिर उसकी जो मतलब लोग वो उसको हेडक्वार्टर्स को जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम कंट्रोल करवाते हैं, जो हमारे प्लेन को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे बताते हैं कि भाई लैंडिंग करनी है, करनी है, वो करनी, तो मतलब वहाँ पर वो कर रहे होते हैं। तो यार ये जो स्पेशली जो मतलब जा रहे होते हैं ना, वो फ्रेंड्स टू इंग्लैंड जा रहे होते हैं, कहाँ पर, अपने होम टाउन पर, अपने परिवार वालों से यानी मिलने जा रहे होते हैं। ये जब टाइम देखने के बाद इन्होंने कहाँ पे लगाया रेडियो से, उन्होंने कांटेक्ट करा उनसे, किन से, क्वार्टर्स वालों से, जो मतलब स्पेस क्वार्टर्स क्वार्टर्स होते हैं, उन्होंने उसको कौन से कांटेक्ट करा। तो उन्होंने उससे पूछा कि आप मुझे क्या सुन रहे हैं, मतलब उन्होंने पहले अपना नाम बोला क्या, डकोटा DS-088, अब भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो यार उसको उन्होंने उनसे कॉन्टैक्ट करा कि आप मुझे क्या सुन सकते हैं, उन्होंने बोला यस आई कैन हियर यू। तो अब जब वो पूछते हैं, वो बताते हैं कि मतलब हमें कैसे टर्न करना, कोई वही बता रहे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको 12 डिग्री की ओर मुड़ना है वेस्ट की तरफ, 12 डिग्री की ओर मुड़ना है वेस्ट की तरफ, उन्होंने उनको टर्न करा। अब ये जा रहे होते हैं तो ये सोचते हैं, जो उन्होंने ये हाँ अपनी फ्यूल को भी देखते हैं और अपने जो कंपास उन सबको देख के जा रहे होते हैं, ये सोचते हैं यार कि मैं कल को अपनी फैमिली के साथ मिलूंगा। अब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम पहले सोचते हैं कि भाई हम मैं वहाँ जाके ये करूँगा वो करूँगा, जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं पहले सोचते हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब जब वो जा रहे होते हैं तो सोचते हैं कि मैं कल अपने फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँगा, इस टाइम पर ये कर रहा हूँगा, इस टाइम पर वो करूँगा। अब वो ये भी सोचते हैं कि मैं इंग्लिश खाना खाऊँगा, इंग्लिश फूड खाऊँगा। अब क्या होता है कि जब ये जब उनके जब चल रहे होते हैं, जब नीचे की तरफ उन्होंने जब जो चोंच होती है ना, कि मतलब जो ये सपो ये एरोप्लेन है तो इसके आगे वाला फ्रंट वाला जो साइड होती है उसकी उसकी तरफ ही जब देखते हैं, तो ये देखते हैं कि नीचे जो लोग हैं ना बहुत सारी बस्ती होती है, मतलब वो पहुँच एटलीस्ट पहुँच चुके होते हैं, मतलब वहाँ नीचे और स्काई से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो यार वो उसको देखकर खुश होते हैं
चलते रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जब तक स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आएगा तब तक इसका मोरल निकलेगा नहीं, अब तक इसमें मज़ा आएगा नहीं। तो यार जब वो चलते हैं, जब वो चलते रहते हैं तो सामने उनको सडनली इनको दिखाई देता है कि यार माउंट की तरह, जो माउंट माउंट्स होते हैं ना उसकी तरह ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक क्लाउड्स मिल गया। तो यार वहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स होते हैं खूब सारे, मतलब बादल होते हैं, काले बादल। अब यार इनकी जब या उनके सामने ये पोजीशन आई कि सामने काले बादल है, ये जा रहे हैं, कुछ दिखाई देगा नहीं, इनको पता चल गया, एक दो दो ऑप्शन है इनके पास, या तो वो लौट जाए या फिर ये जिसको ज्वाइन करें कि मतलब इसको पूरा इसको सामना करें इसका परिस्थिति का। तो वो ये बात सोचते हैं कि यार मैं अगर मेरा दो चांस ऑफर्स है मेरे पास, अब मैं पीछे मुड़ूंगा तो यार मैं घर वालों से नहीं मिल पाऊंगा, ऑलरेडी नहीं बना पाऊंगा, इधर जाऊंगा तो यार खतरा है। तो इन्होंने हिम्मत जुटाकर, कैसी न कैसी करके हिम्मत जुटाकर वो इस परिस्थिति को सामना करने लग गए। मतलब ये उसके अंदर चले गए, क्या ब्लैक क्लाउड्स के अंदर, या भी उसके अंदर चले गए तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि यार कहीं मेरे साथ कुछ होने जाए। अब क्या होता है कि सडनली जब ये चल रहे होते हैं तो कुछ तो दिखाई दे रहा होता नहीं है, तो ये अपने फ्लैट की तरफ, जो उनका प्लेन होता है उसकी आउटसाइड देखते हैं, शीशे होते हैं ना वहाँ से देखते हैं, लेकिन इनको कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अब क्या होता है कि सडनली इनके बराबर से एक और एरोप्लेन आ जाता है, वो उनको वे दिखा रहा होता है, मतलब उनको इशारे कर रहा होता है, वो दिखाता है कि मतलब इधर को टर लो, इधर लो, मैं इधर, वो मतलब उनको अपने आप को फॉलो कराकर उसको सॉरी जो मतलब पायलट है, जो मतलब रियल कॉम्बो है हमारे करेक्टर, उनको फॉलो करने के लिए बोलता है कि मुझे फॉलो करो। फॉलो कर रहा होता, वो हाथ दिखा रहे होते हैं भाई साहब जी, जो मतलब आए थे उनको सहायता करने के लिए, वो उनको इशारे बताते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। करते हुए एक एक टाइम ऐसा आया कि यार वो उनको उसको पूरा कंप्लीट कर गए, उसको परिस्थिति को पूरी कंप्लीट कर गया। उसको कंप्लीट करने के बाद जैसे ही वो लैंड हुए नीचे, उन्होंने सबसे पहले उसी आदमी से मिलने को कहे कि जिन्होंने उनकी सहायता कर दी, कि फिर वो जो वहाँ पर जो लेडीज वो थी वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मेरी सहायता करी। तो वो इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसे कि यार सर, उन्होंने कहा कि सर आप ही ऐसे थे वहाँ पर जो उस क्लाउड के अंदर फंसे हुए थे, दूसरा कोई भी वहाँ पर एरोप्लेन नहीं था। यार इस बात को सुन के जरूर कोई ना, हर कोई यार कर गया कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई वहाँ पे ऊपर हमारी सहायता करने गया हो और वो नीचे को उसको कोई पता ही नहीं है कि कोई को गया है ऊपर सहायता करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ऑड बात हो गई ना ये। तो यार इसी बात को सोच के वो जो मतलब पायलट थे, जो राइटर थे, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ गए। यहीं पर यार ये बहुत ज़्यादा ऑड बात आ गई, बहुत सोच विचार में पड़ गए, यहीं पर इसका चैप्टर हो गया। यार मतलब कि इसमें यही दिखाया गया था, हमें कोशिश करनी चाहिए चाहे हमारा कुछ सा भी काम हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए चाहे सहायता उसकी किसने भी करी हो। अब ऐसी सीगल वाले चैप्टर में था कि चाहे मतलब उन्हें भूखे लिए क्या करा हो, लेकिन उन्हें मतलब करा, उन्हें करना चाहा कि हाँ मैं करूँगा, चाहे उन्हें भूखे लिए क्या हो। ऐसी यहाँ पर है कि उस पायलट ने चाहे उन्हें उस परिस्थिति को देख कर करा हो, लेकिन उन्हें करा, हार नहीं मानी ना, उन्हें अपने पीछे टर्न तो नहीं लिया, ऐसी सीगल था उन्हें पीछे टर्न तो नहीं लिया, वो चाहता था वहीं रहता था, लेकिन मानने देते नहीं उसके पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने कोशिश करी। ऐसी सेम यहाँ पर है। तो यार कहानी में सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।